आज आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिए और विचार कर कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख मिली एक समय की बात है एक जंगल में शेर और शेरनी रह रहे थे और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे एक समय की बात है शेर और शेरनी शिकार करने के लिए जंगल में चले गए शिकार न मिलने के कारण दोनों बहुत ही दूर चले गए वापस लौटने में काफी समय लग गया और इधर बच्चे भूख से तड़पते लगे भूख इस कदर लगी कि मरने में कुछ ही समय बाकी था तब तक एक बकरी उसी रास्ते से गुजर रही थी बकरी का नज़र उस दो तड़पते हुए बाघ के बच्चों पर गया बकरी को रहा नहीं गया क्योंकि वह भी एक मां थी बकरी ने उस दो छोटे छोटे बच्चे को दूध पिलाकर जान बचा ली और बच्चों को कोई बात ना हो जाए इसलिए बच्चों के पास रुक गई और बच्चों के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगी काफी समय बाद शेर और शेरनी घर वापस आए तो देखे कि एक बकरी के साथ बच्चे भी खेल रहे हैं शेर और शेरनी शिकार ना मिलने से भूखे थे वो सोचे कि शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आया है जैसे ही शेर बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ा वैसे ही बच्चों ने रोक दिया और आप बीती बताए शेर और शेरनी अपने बच्चे की जान बचाने वाली बकरी को धन्यवाद दिए और दोनों ने बकरी से बचना बढ़ हुए और कहे कि आज के बाद तुम आज़ाद हो जब चाहो तब तुम कहीं भी आ जा सकती हो और रह सकती हो बकरी शेर के परिवार का सदस्य बन गई और उसी परिवार में रहने लगी बच्चों के साथ खेलने लगी एक समय बकरी और बाघ दोनों जंगल में घूम रहे थे तब तक एक बाज का नज़र उस पर गई बाज ने बड़ी ही विनम्र से बकरी से पूछा कि बहन ए बताओ कि तुम क्या की हो कि इस परिवार में इतना घुल मिलकर रह रही हो बकरी ने कहा यह एहसान करने का फल है फिर बाज ने बकरी से पूछा क्या हम भी एहसान करें तो हमारे साथ भी ऐसा होगा तो बकरी ने कहा हाँ कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बाज ने देखा कि एक दलदल में दो चूहे के बच्चे फंसे हैं और निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं बाज ने सोचा कि एहसान करने का मौका ऐसा फिर नहीं मिलेगा बाज ने चूहे के बच्चों को चोंच में पकड़कर दलदल से निकालकर सुरक्षित जगह ले गया चूहे के बच्चे पानी में भीग गए थे और थर थर रहे थे बाज ने चूहे के बच्चों को अपने पंख में छुपा लिया जब बच्चे ठीक हो गए तो बाज ने जाना चाहा तो देखा कि चूहे के बच्चों ने पंख ही कुतर डाले थे बाज ने जाकर बकरी से पूछा कि बहन तुम भी एहसान की और मैं भी एहसान की हूँ आखिर में एहसान का फल अलग क्यों बकरी ने कहा कि दोस्ती करना है तो शेर से करो कि कभी भी अपने जबान से मुकरता नहीं जब चूहे से दोस्ती करोगे तो यही फल मिलेगा आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में बताए धन्यवाद